हेलो फ्रेंड्स, मैं जलपा। वेलकम टू माय चैनल द जेप्स वाइंस। फ्रेंड्स, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डार्क अंडर आर्म्स। डार्क अंडर आर्म्स वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेल फीमेल दोनों में, और ये दिखने में बहुत ही खराब लगते हैं और कभी कभी हमें इसकी वजह से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं। सो आज की मेरी वीडियो मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग फटाफट से मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स, साथ में ही डेली अपडेट्स जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि डार्क अंडर आर्म्स कोई सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, पर खास करके फीमेल जब भी हम स्लीवलेस पहनते हैं या तो फिर टैंक टॉप्स पहनते हैं, बिकनी पहनते हैं, तो उस टाइम पर अगर हमारा अंडर आर्म्स डार्क हो तो वो दिखने में बहुत ही खराब लगता है, और कई बार उसकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। और बहुत सारे लोग डार्क अंडर आर्म्स से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो हम इस तरह से महंगे महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेकर डार्क अंडर आर्म्स को लाइटन तो करते हैं, पर हमें उसके पीछे का रीज़न पता नहीं चलता कि ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारे अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं। तो आज मैं आपको डार्क अंडर आर्म्स होने के पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं, आपकी कुछ आदतें जो आपको बदलनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने डार्क अंडर आर्म्स को धीरे धीरे लाइटन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, हम पहली गलती ये करते हैं कि हम बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि फैशन चल रही है, एक ट्रेंड चल रहा है एकदम टाइट कपड़े पहनने का, और ख़ास करके फीमेल। तो आप लोग एकदम टाइट कपड़े ना पहने जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसे ही कपड़े पहने, क्योंकि एकदम टाइट कपड़े पहनने से हमारी वो जो स्किन होती है वो रगड़ती रहती है कपड़े के साथ, और उसी की वजह से लॉन्ग टाइम में हमारी स्किन काली हो जाती है। फिर दूसरा रीज़न है अधिक मोटापा। अगर हमारी बाहों में बहुत ही चर्बी जमा हो गई है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बाहों की स्किन है और हमारी जो अंडर आर्म्स की स्किन है, वो दोनों स्किन एक दूसरे के साथ रगड़ती रहती है, तो उससे भी हमारी स्किन लॉन्ग टर्म में डार्क हो जाती है। तो अधिक मोटापे के कारण भी डार्क अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके साथ साथ हमारे ऐसे स्किन में कई एरिया है, जैसे कि आप अपने ग्रोइन एरिया को ले लो, अगर हमारे थाई एरिया में बहुत ही चर्बी जमा होती है तो जब भी हम चलते हैं या तो फिर कुछ काम करते हैं तो उस टाइम पर हमारी दो स्किन एक दूसरे के साथ रगड़ती रहती है, तो उसी के कारण भी हमारी स्किन डार्क हो जाती है। अगर आपका वजन बहुत ही बढ़ गया है, अधिक मोटापा हो गया है, तो आपको अपना वजन कम करना चाहिए, और अधिक मोटापे के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द अपने वजन को कम कर सको। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम तीसरी गलती ये करते हैं कि हम बहुत सारा डीओ का यूज़ करते हैं। सो डीओ का यूज़ करने से तो हमें पसीने से तो छुटकारा मिल जाता है, उसके साथ साथ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो बच जाते हैं, पर आप लोग ये नहीं जानते कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे डीओ है जिसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कंपनी उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल का यूज़ करती है, तो वही केमिकल के कारण लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन डार्क शेड हो जाती है। पर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डीओ का यूज़ ना करें, आप डीओ का यूज़ अगर हो सके तो थोड़ा कम करें, और अगर आपको इतना ही पसंद है, आपको इतना ही क्रेज़ है डीओ लगाने का, तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग डीओ यूज़ ना करें, उसके बदले आप एकदम माइल्ड और एक अच्छी ब्रांड का डीओ ही यूज़ करें। दूसरी एक बात जो मैं फीमेल को बताना चाहूँगी कि आप अपने लिए जो खास फीमेल के लिए डीओ बनाए गए हैं उसी का यूज़ करें। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम चौथी गलती ये करते हैं कि हम लोगों के दिमाग में यही बात होती है कि जितना हम ज़्यादा साबुन से नहाएंगे उतने ही हम ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, जल्दी गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, और धीमे धीमे जो भी ड्राई स्किन होगी वो धीमे धीमे काली हो जाएगी। आप भी अगर ये गलती करते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा साबुन का यूज़ करते हो, तो वो गलती आप ना करें, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स की स्किन जो होती है वो बाकी के स्किन के सामने बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो वो हमारी स्किन ज़्यादा साबुन का यूज़ करने से जल्दी ड्राई हो जाती है, और उसकी वजह से उसमें कालापन आ जाता है, क्योंकि साबुन में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि हमारी अंडर आर्म्स की स्किन जो बहुत ही सेंसिटिव होती है वो इतने केमिकल्स सहन नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में वो हमारी स्किन को काली बना देता है। उसके बाद हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम अंडर आर्म्स के बाल को दूर करने के लिए जो भी तरीका यूज़ करते हैं वो बहुत ही गलत यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग रेज़र का यूज़ करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रेज़र की जो ब्लेड होती है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। उसके बाद हम अंडर आर्म्स को साफ़ कराने के लिए बहुत सारे केमिकल
ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे हेयर रिमूवर क्रीम यूज करते हैं, जिसका यूज करने से लॉन्ग टर्म में भी हमारी अंडर आर्म्स काली हो जाती है। और अगर आप हेयर रिमूवर क्रीम का यूज करते ही हो तो आप हेयर रिमूवर क्रीम परचेस करने के टाइम पर ये बात का ध्यान रखें कि उसमें बहुत ही कम केमिकल हो और वो प्रोडक्ट जो आप परचेस करते हो वो नेचुरल हो, इससे आपके अंडर आर्म्स डार्क नहीं होंगे। और कई लोग अपने अंडर आर्म्स के बालों को रेगुलर साफ नहीं करते, तो यहाँ भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अगर हमारे अंडर आर्म्स के बालों को साफ नहीं करेंगे तो उसमें बहुत पसीना होगा और पसीने के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उसमें से हमको इन्फेक्शन होगा जो कि हमारी स्किन के लिए हानिकारक है और इसी के कारण भी हमारी स्किन डार्क हो जाती है। तो मैं तो आपको एक सजेशन दूंगी कि आप हेयर रिमूव करने के लिए वैक्सिंग ही करें, क्योंकि वैक्सिंग ही सबसे सेफ एंड ईजी तरीका है अंडर आर्म्स के बालों को रिमूव करने का। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ गलतियाँ जो अक्सर हम लोग करते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि इसके पीछे क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो तो अपनी आदत को बदल दीजिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी डार्क अंडर आर्म्स धीरे धीरे लाइटन हो जाएगी। और अगर आपको भी डार्क अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने होममेड रेमेडीज वीडियो ऑलरेडी बना दी है जो कि पोस्ट हो चुकी है। अगर आपने देखी ना हो तो आप लोग जरूर जाकर देखना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, साथ में ही मेरे वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स और साथ में कॉमेडी एंटरटेनमेंट तो आपको मेरी चैनल पर मिलेगा ही। सो स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल द जेब्स वाइंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।